हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको लेसन 18 पढ़ाऊंगी। एनिमल मूवमेंट मतलब जो जानवर हैं उनकी मूवमेंट, हरकत, जो इधर उधर चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनकी ये सारी चीज़ों के बारे में। लुक एट इच पिक्चर एंड राइट द वे दीज एनिमल मूव, मतलब दिया गया है कि आप इन पिक्चरों को देखिए और बताइए कि ये कैसे मूव करते हैं। वी ऑल नोन वेरी वेल दैट प्लांट्स डू नॉट मूव, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो चल फिर नहीं सकते। बट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। डू ऑल एनिमल शो द सेम टाइप ऑफ मूवमेंट, क्या सारे जानवरों की मूवमेंट एक तरह ही होती है? नो, नहीं, डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज, भिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, हरकत होती है, वो भी अलग अलग होती है। सम ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव आर बाइंग, जंपिंग, फ्लाइंग, रनिंग, ईटीसी। कुछ लोग जो कुछ जानवर होते हैं उनके रास्ते कैसे होते हैं चलने में, कुछ लोग जब कुछ जानवर जंप करके चलते हैं, मतलब कूदते हुए, कुछ उड़कर और कुछ भाग कर चलते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, वे जो इधर उधर जाते आते हैं वो अपने खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। मूवमेंट्स बाय फ्लाइंग, उड़ने वाला जो मूवमेंट होता है वो, बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स तो सभी जानते हैं चिड़िया, बैट्स मतलब चमगादड़, एंड इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकौड़े। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फ्लाइंग, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, उड़ते हैं। दे यूज़ देयर विंग्स टू फ्लाई, उड़ने के लिए भी अपने परों का इस्तेमाल करते हैं, पंखों का इस्तेमाल करते हैं। दे फ्लैप देयर विंग्स टू मूव अप एंड डाउन, डाउन मतलब वे अपने पंखों को फ्लैप करते हैं, मतलब हिलाते हैं ऊपर नीचे की तरफ, तो वो ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। एंड ऑल्सो टू मूव अहेड, और अपनी गर्दन को भी हिलाते हैं। बर्ड्स विंग्स आर मेड अप ऑफ फेदर, चिड़िया के जो पंख होते हैं वो फेदर के मतलब पंखों के, छोटे छोटे पंखों के बने होते हैं। बैट्स विंग्स आर कवर्ड बाय स्किन कॉल्ड पैटेगिम, जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो उसकी स्किन के ही बने होते हैं, स्किन को कवर करे रहते हैं, इसलिए उन्हें पैटागिम कहते हैं। इंसेक्ट्स विंग्स आर जस्ट मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन, मतलब जो इंसेक्ट्स के पर होते हैं वो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब कि जैसे बटरफ्लाई के पंख होते हैं, देखिए ब्यूटीफुल रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, इस तरह। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज दे हैव हॉलो बोन्स, बर्ड्स जो हैं चिड़िया उड़ने के लिए इसलिए वो होती हैं, इसलिए उड़ सकती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, मतलब खाली होती है। दीज हॉलो बोन्स मेक देयर बॉडी लाइट एंड लाइट इन वेट, ये जो हॉलो बोन्स होती है मतलब खाली हड्डियाँ होती हैं, ये जो है शरीर को हल्का बनाती हैं, इसलिए वो उड़ सकते हैं। मूवमेंट्स बाय स्विमिंग, तैर कर जो मूवमेंट करते हैं, हिलते डुलते हैं, आते जाते हैं एक से दूसरी जगह। एक्वाटिक एनिमल मूव बाय स्विमिंग, मतलब जो समुद्री जानवर होते हैं वो तैर कर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिश एंड व्हेल्स स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स, फिश मछली और जो व्हेल मछली होती है वो अपने फिन्स के जरिए तैर पाती हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स, उनके पास भिन्न प्रकार के फिन्स होते हैं। द टेल फिन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, फिन्स मतलब होते हैं जो मछली के साइड साइड में छोटे छोटे से लगे होते हैं, पर टाइप के कह लीजिए चाहे वो। फिन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एज दे मेक द फिश एंड व्हेल्स टू मूव फॉरवर्ड, फिन्स जो है जो टेल की फिन्स होती है, जो उसकी दुम बनी रहती है पंखों की तरह, वो जो है वो बहुत ज़रूरी होती है उनके मुड़ने के लिए, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ने और पीछे जाने के लिए। फ्रॉक्स एंड डक्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम, डक्स के मतलब बतख के और फ्रॉग मतलब मेंढक के जो पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब उंगलियां आपस में एक झिल्ली से जुड़ी रहती हैं, उनके पैर में एक झिल्ली होती है उसी के ऊपर उनकी उंगलियां रहती हैं, तो वो उसके ज़रिए उसमें तैर लेती हैं। मूवमेंट बाय रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ने और कूदने वाले जो जानवर होते हैं वो होते हैं एनिमल दैट लीव ऑन लैंड, जो जानवर धरती पर रहते हैं, रन एंड जंप टू मूव, वो चलने के लिए मतलब एक से दूसरी जगह जाने के लिए दौड़ते हैं और कूदते हैं। ऑस्ट्रिचेस, डियर, लिपर्ड्स, हॉर्सेज एंड गोट्स आर सम एनिमल्स दैट यूज देयर लेग्स टू रन। ऑस्ट्रिच होती है एक चिड़िया जिसको हम शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, वो डियर, हिरन, लिपर्ड, तेंदुआ, हॉर्स, घोड़ा एंड गोट्स और बकरी, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने पैरों की मदद से दौड़ते हैं। एनिमल लाइक रैबिट्स एंड कंगारूज कैन ऑल्सो जंप, एनिमल जैसे कि जानवर जैसे कि रैबिट्स मतलब खरगोश एंड कंगारू का मतलब कंगारू ही होता है, कंगारू कूदते भी हैं। दे हैव लॉन्ग हिंड्स लेग्स दैट हेल्प देम जंप लॉन्ग डिस्टेंस, ये इनके जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लेग्स की जो हाइट होती है वो लंबी होती है, इस कारण ये दूर तक दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं। मूवमेंट बाय क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, रेंग कर चलने वाले जो जानवर होते हैं, आंट्स, कॉकरोच, लिजर्ड मूव बाय क्रॉलिंग,
मतलब कि ये सब रेंग के चलते हैं जानवर। आंट्स मतलब चीटा, कॉकरोच मतलब लाल बेगी भी कहते हैं इसे, लिजर्ड मतलब छिपकली। एनिमल दैट क्लाइम द ट्री, एनिमल जो जानवर जो कि पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। एनिमल लाइक पैंडास एंड स्क्वायरल्स हैव क्लॉज विच हेल्प देम टू होल्ड द ट्रीज। एनिमल जैसे कि पैंडा, पैंडा मतलब एक प्रकार का भालू होता है जो यहाँ नहीं पाया जाता है, बर्फीले इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है। एंड स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स मतलब गिलहरी, इन लोगों के जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उससे ये पेड़ों को पकड़ कर ऊपर चढ़ सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर लिम्स, और इनके जो पैर होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। दैट हेल्प देम टू क्लाइम द ट्री, जो उनके पेड़ों पर चढ़ने में इनकी मदद करते हैं। देखिए पहला पिक्चर पैंडा का है, ये हमारे बिल्कुल टेडी बियर जैसा दिखता है। स्क्वायरल गिलहरी, लंगूर, लंगूर मतलब बंदर की एक प्रजाति होती है, मंकी बंदर। एनिमल लाइक मंकी एंड लंगूर्स लिव इन ट्रीज, एनिमल जानवर जैसे कि बंदर और लंगूर भी पेड़ों पर रहते हैं। दे हैव लॉन्ग फिंगर टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, मतलब इनकी जो लंबी उंगलियां होती हैं वो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उनको पकड़ने में मदद करती हैं, पकड़ती हैं। लंगूर यूज देयर टेल टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, लंगूर जो हैं वो अपनी दुम का भी प्रयोग करते हैं डंडालों को पकड़ने के लिए। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम देयर एनिमीज, जानवर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने की तलाश में भी जाते हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह भी ढूंढने जाते हैं। और बहुत से जानवर ऐसे भी जो अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी दूसरी जगह चले जाते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एंड राइज देयर यंग वंस, मतलब ये कहा गया है कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो माइग्रेट के समय, मतलब जब वो बच्चा देने वाली होती हैं, तब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं अपने आप को बचाने के लिए और अपने हिसाब के मौसम को ढूंढते हुए उस मौसम में वो चली जाती हैं। एग्जाम्पल आर आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आर्कटिक टर्न होती हैं और साइबेरियन क्रेन होती हैं। साइबेरियन क्रेन क्रेन्स जैसे कि हमारे यहाँ संगम में इस समय बर्ड्स आती हैं, वाइट कलर की बर्ड्स आती हैं, उन्हें साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन्स ही कहते हैं। तो वो सिर्फ आपको सर्दियों के मौसम में ही वहाँ दिखती हैं, बाकी आप गर्मियों में जाएंगे तो वो एको नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो उनके हिसाब का मौसम नहीं रहता है। वो ज़्यादा गर्मी में भी नहीं जी पाती हैं और ज़्यादा सर्दी में भी नहीं जी पाती हैं, तो इस समय जो वो मौसम एक्सेप्ट करती हैं इसलिए वो हर बार यहाँ आती हैं। सम एनिमल्स मूव जस्ट फॉर फन, कुछ एनिमल जो होते हैं वो केवल हमारे फन के लिए होते हैं। एग्जाम्पल डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स जो हैं वो बहुत ही समझदार मछली होती है, वो हमारा इंटरटेनमेंट भी करती है।